How do we wait Appu Kuttan? This is an English story by Indu Hari Kumar and published by Eklavya. यह कहानी है अप्पू कुट्टन की और उसको हम वजन कैसे करें। This story is from a special kingdom, a happy and prosperous kingdom, a kingdom of answers. यह कहानी है एक विशिष्ट राज्य की, एक खुशहाल और समृद्ध राज्य, एक राज्य समाधानों का। Where for every question there was an answer. Not one question went unanswered. But one day a question came along and everything changed. The people stopped, they wondered, they scratched their head and thought, how do we solve this? यहाँ हर एक सवाल का एक समाधान था, कोई भी प्रश्न कभी अनुत्तरित नहीं था, पर एक दिन एक प्रश्न आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सब लोग रुक गए, सब आश्चर्य में थे, उन्होंने अपना सर खुजाया और सोचा अब इसे कैसे हल करें। एक प्रश्न चिन्ह, वन क्वेश्चन मार्क। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन यंगेस्ट प्रिंस वाज फीडिंग अप्पू कुट्टन। एज अप्पू एंजॉयड हिज डिलीशियस ब्रेकफास्ट, अ क्वेश्चन बॉदर्ड द लिटिल प्रिंस माइंड। द क्वेश्चन वॉज क्वाइट सिंपल, ही वॉन्टेड टू नो हाउ मच डज अप्पू कुट्टन वे। सब लोग रुक गए। यह सब शुरू हुआ जब सबसे छोटा राजकुमार अप्पू कुट्टन को नाश्ता, स्वादिष्ट नाश्ता करवा रहा था। एक क्वेश्चन राजकुमार के दिमाग में आया। प्रश्न बहुत सरल था, वह जानना चाहता था अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। बट द क्वेश्चन टुक ऑल द अटेंडेंट्स बाय सरप्राइज। दे सेड, नाउ दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। परंतु प्रश्न, उस प्रश्न से सभी नौकर चाकर आश्चर्य में पड़ गए। यह तो आसान कार्य नहीं है। सून द क्वेश्चन ट्रैवल्ड फ्रॉम रॉयल कोर्ट टू हाउसेस, रोड्स, पैडी फील्ड्स एंड प्ले ग्राउंड्स। एवरी वन वॉज आस्किंग, हाउ डू वी वे अप्पू कुट्टन। शीघ्र यह प्रश्न पहुंचा शाही दरबार से, घरों में, सड़कों पर, धान के खेतों में और खेल के मैदानों में। सब पूछ रहे थे अप्पू कुट्टन का वजन कितना है। क्या उनके पास didn't they have weighing scale? Why didn't they just weigh अप्पू कुट्टन? क्या उनके पास तराजू नहीं था? क्या अप्पू कुट्टन को उसमें तोल नहीं सकते थे? They tried. They were not the kind who would give up easily. Weighing scale were specially made. Some were too small. उन्होंने कोशिश की थी और वे आसानी से हार मानने वाले लोगों में नहीं थे। विशेष तरह के तराजू बनाए गए, कुछ तो बहुत छोटे थे। And some broke when Appu stomped in. और कुछ टूट गए जब अप्पू उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। विद सम पीपल वंडर्ड, हाउ डू वी वे अप्पू कुट्टन विद दिस। अन्य सभी लोग सोच में पड़ गए, अप्पू कुट्टन को कैसे तोलें। अब तो आपको समझ में आ गया होगा हम एक हाथी की बात कर रहे हैं। यू मे हैव गेस वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिफेंट। आपको समझ आ गया होगा कि हम एक राजशाही हाथी की बात कर रहे हैं।
not just any other elephant, a royal elephant of a prosperous kingdom. And this royal elephant weight became a royal worry. ये ऐसा वैसा हाथी नहीं था, यह समृद्ध राज्य का शाही हाथी था और इस शाही हाथी का वजन बना शाही चिंता का कारण. That's when little Meenu had an idea. She thought, now that is simple. So she walked all the way to the court. तभी छोटी मीनू को एक विचार आया. उसने सोचा यह तो आसान है. इस कारण वह शाही दरबार तक पैदल चलकर पहुंची. द किंग हर्ड हर आउट. ही हर्ड एंड थॉट एंड सेड, कैरी आउट मीनूज ऑर्डर वेदर इट वर्क्स और नॉट, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल. राजा ने उसकी बात सुनी, उन्होंने सुना और सोचा और कहा, जैसा मीनू कहे आदेश दे वैसा करो, चाहे ये काम करे या ना करो करे, चाहे ये काम करे या नहीं. कितनी होशियार बालिका है. ऑल सेट ऑफ टू द रिवर बैंक. मीनू द किंग्स मैन एंड अप्पू कुट्टन. अप्पू वॉज लोडेड ऑन अ बोट. सब चल पड़े नदी किनारे. मीनू राजा के कर्मचारी और अप्पू कुट्टन. अप्पू को एक नाव में चढ़ाया गया. द बोट बिगैन टू सिंक मोर मोर मोर. व्हेन इट स्टॉप्ड सिंकिंग एंड मीनू मेड अ मार्क एट द पॉइंट टिल वेयर द बोट हैड संक. अप्पू वॉज अनलोडेड. पानी में नाव नीचे जाने लगी और नीचे और नीचे और नीचे. जब नाव पानी में स्थिर हुई तब मीनू ने पांव नाव पर निशान लगाया जहां तक नाव डूबी थी. अब अप्पू को उतारा गया. द बोट वॉज देन लोडेड विथ ब्रिक्स. As the bricks increased, the boat began to sink again, more and more and more. अब नाव में ईंटें भरी गईं. ईंटों के भार से नाव फिर पानी में नीचे जाने लगी. थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और. When it sank till the mark, Meenu called, "Stop, stop, no more bricks." जब नाव निशान तक पानी में डूबी तो मीनू चिल्लाई, रुको रुको और ईंटें मत डालो. द ब्रिक्स वर देन वेट एंड दैट इज हाउ दे फाउंड आउट अप्पू कुट्टन्स वेट. डू यू नो हाउ मच ही वेट. इन ईंटों को का वजन किया गया और इस तरह अप्पू कुट्टन का वजन नापा गया. क्या आपको पता है उसका वजन कितना था? सोचिए और बताइए. 5,000 kilos. अ फुल 5,000 kilos. 5,000 किलो. पूरा 5,000 किलो. तो इस तरह कहानी खत्म हुई. और अब इस कहानी के बारे में और कुछ जाने. ये उसका एक description hai. This is the description of the story. As the young prince fed Appu Kuttan his breakfast, a question popped in his mind, in his head. How much does Appu weigh? Soon the whole kingdom got busy trying to solve this riddle. Finally, little Meenu found the answer. Join in and find out. Jab chota Rajkumar Appu Kuttan ko nashta karwa raha tha, to uske dimag mein ek prashn kondha. अप्पू का वजन कितना है? जल्द ही पूरा राज्य यह इस पहेली को हल करने में जुट गया.
अंत में छोटी मीनू ने इसका आंसर ढूंढा। आप भी पढ़िए और सुनिए और जानिए। दिस स्टोरी इज बाय इंदु हरिकुमार, हु इज अ चिल्ड्रंस राइटर एंड इलस्ट्रेटर हु इंजॉयज वर्किंग विद चिल्ड्रन। दिस इज हर फर्स्ट पिक्चर बुक। इंदु हरिकुमार एक बच्चों के लेखिका हैं, बच्चों की पुस्तकों की लेखिका हैं और एक इलस्ट्रेटर यानी कि ड्राइंग बनाने में उनको काफ़ी मज़ा आता है और बच्चों के साथ वे काम भी करती हैं। यह उनकी प्रथम पिक्चर बुक है, चित्र पुस्तिका है और यह पुस्तिका है एकलव्य द्वारा। खरीदें, पढ़ें और मस्ती करें।